राजस्थान में सीएम की दौड़ दिलचस्प हो गई है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि के लिए बाबा बालकनाथ राजस्थान में बेहद लोकप्रिय हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी हैं। उन्हें राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। बता दें कि बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। आइए जानते हैं क्यों वे राजस्थान के सीएम बन सकते हैं। कारण नंबर एक, युवा होना पक्ष में। बाबा बालकनाथ की उम्र 39 साल है। राजस्थान बीजेपी के वे राष्ट्रवादी फायर ब्रांड नेता हैं। विधानसभा चुनाव में वे राजस्थान की तिजारा सीट से जीते हैं। हालांकि जिस समय वह राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब वह अलवर जिले से सांसद भी थे। बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनावों में खड़ा करा है, इसी वजह से उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। कारण नंबर दो, बुलडोजर कनेक्शन। बाबा बालकनाथ को राज्य में फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वह हिंदू हितों और हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं। वह जब अपने चुनाव नामांकन के लिए गए तो कई जगह बुलडोजर से भी गए, जिससे माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से खास रिश्ता है। वैसे दोनों के नाथ संप्रदाय में होने के कारण एक दूसरे के प्रति खास आत्मीयता है। नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है तो रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष। बालकनाथ संप्रदाय के 8वें संत माने गए हैं। कारण नंबर तीन, ओबीसी कैटेगरी। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो अपने 45,000 रुपए घोषित किए। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर उन्होंने जो पैसा मिला वो राशि 13,29,558 रुपए है। बाबा बालकनाथ की पढ़ाई इंटर तक है।